नमस्कार, मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मैथ्स के एक नए मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट का आप जानते हैं अर्थ क्या है। आगे की आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी में आप इन टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं, इनके प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। ये तैयारियों में आपकी हेल्प करती हैं और आपका सेल्फ एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड करती हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई का अर्थ ही होता है कि हम लोग परीक्षा दें, टेस्ट दें और टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस से अपना आकलन कर सकें, जहां पर गलतियां हों उसको समझ सके, उसकी एनालिसिस उन गलतियों को सुधार सके और अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को और अच्छा और मजबूत बना सके। आइए मैं आज की इस एनालिसिस को प्रारंभ करता हूं। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं स्तरीय हैं, परीक्षा रिलेटेड हैं और हर प्रश्न का अपना एक स्टैंडर्ड और लेवल है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक प्रश्न को एक्सप्लेन कर दूं। आपने अपने लेवल पे जो कोशिश करी हो ठीक है, अपने कमेंट्स की कनेक्टिविटी बना के रखिए जिससे कि हम लोग यहाँ पर हर एक प्रश्न को अच्छे से रियलाइज कर सके, उसको कनेक्ट कर सके। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करा जाएगा और आप सभी लोग जो है पहले प्रश्न से एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए। प्रश्न अगर समझ में आता जाए तो आप उत्तर देते जाइए और जो है कनेक्टिविटी बना के रखिए। बढ़िया, एक शानदार सा प्रश्न है। आप देखिएगा तो आपको दिखेगा 13 की पावर 143 है प्लस 143 है। अगर इसको हम 14 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो प्रश्न क्लियर होगा। 13 की पावर 143 है प्लस 143 अलग से कनेक्टेड है और इसको भाग हमें किससे देना है, 14 से। दो अलग अलग नंबर है, आप देख पा रहे हैं। एक नंबर ए आपका है, दूसरा नंबर बी है। अगर हम ऐसे कनेक्ट करें, दोनों को 13 से 14 से भाग करना है तो 14 जब 13 को, देखिए एक बात को समझ करके रखिए, अगर हम कोई एक संख्या ए को बी से भाग कर रहे हैं, अगर यहाँ पर ए का मान छोटा है बी से तो इस केस में रिमाइंडर आपका ए ही हो जाता है। जैसे अगर हम किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करते हैं तो वह छोटी संख्या ही शेषफल होती है। अब जैसे इस प्रश्न में सोचा जाए कि अब बेस एंड पावर के रूप में है और 13 के ऊपर यहाँ पर पावर लगी है 143 और इसको हमें 14 से आपने कहा भाग करने को, तो 14 से जब मैं इस बेस को भाग करूंगा, क्योंकि यह 13 का जो मल्टीप्लीकेशन 143 बार लिखा हुआ है, तो प्रत्येक बार का मल्टीप्लीकेशन या प्रत्येक टर्म जो 14 से भाग किया जाएगा वो 13-13 ही शेषफल देता रहेगा। और अगर हम 13 सोचकर चलेंगे तो वह ऐसी चीज बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन आ ही नहीं पाएगा, हम लोग आंसर पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे केस में जब भी हम कोई भाजक से किसी भाज्य को भाग देते हैं और वह केवल एक ज्यादा या एक कम होता है तो ऐसी स्थिति हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर यहाँ 15 होता तो 14 से भाग करते तो एक शेष फल आता, और यही अगर 13 है तो -1 शेष फल आएगा और -1 हर 143 बार तक आता रहेगा, इसलिए -1 की पावर 143 कर दीजिए। और ध्यान रहे कि -1 या माइनस हम कोई भी नंबर लें कभी भी, तो माइनस में अगर कोई वैल्यू है या -1 ही लेकर चले, क्योंकि यहाँ पर -1 आया है, अगर इसकी पावर हम n लगाएंगे तो इसके दो मान आएंगे, एक तो +1 आएगा दूसरा -1 आएगा। +1 तब आएगा जब n क्या है, एक सम संख्या है, n क्या है सम है, और -1 तब आएगा जब n क्या है, एक विषम संख्या है, करेक्ट है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझ ले, हम लोग डिसाइड कर लें। 14 से मैंने 13 को भाग किया तो निश्चित तौर पर -1 आएगा, -1 की पावर हमने 143 लिखा है, और प्लस यहाँ पर 143 से और 14 से भाग करेंगे 14 में 140, सिंपल सा 3 आंसर आ जाएगा, शेषफल आएगा। -1 की पावर अगर विषम है तो देखिए मैंने आपको बताया इस केस में वैल्यू -1 ही रह जाएगी, प्लस आपका 3 है, 3 से 1 घटेगा तो वैल्यू 2 होगी, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपको 2 मिलेगा, जो आप लोग करेक्ट बता भी रहे हो, सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन बनकर आ भी रहा है। तो सी ऑप्शन पहला प्रश्न कनेक्ट होता है, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 2 है जो शेषफल के रूप में है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न का कॉन्सेप्ट तरीका समझ में आया होगा और आप लोग सब लोग क्लियर करके आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, बहुत शानदार सा प्रश्न है, देखिए मिलाइए। किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा, मतलब 4th, 5th एंड 6th स्टैंडर्ड क्लास की संख्या, क्लास का मतलब वो जो चौथी पांचवी छठी कक्षा है, इसमें जो छात्रों की संख्या है वो 188, 282 और 423 है। मतलब हम समझ गए कि 4th स्टैंडर्ड में वहां पर 188 बच्चे बैठते हैं, 5th स्टैंडर्ड में वहां पर 282 बच्चे बैठते हैं, और ऐसे 6th स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा कुल 423 बच्चे बैठते हैं। आगे बढ़िए, यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में, खंड मतलब सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान रखी जाती है, जैसे किसी क्लास में ज्यादा बच्चे हैं किसी क्लास में कम बच्चे हैं, लेकिन जो सेक्शंस बढ़ते हैं क्लास साइज होती है वो लगभग सबकी बराबर होती है। किसी स्कूल में आपने देखा होगा कक्षा 6 के 6 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, कक्षा 3 के कम ही सेक्शन है, कक्षा 5 के ज्यादा सेक्शन है, तो सेक्शन अलग अलग होते हैं, ज्यादा कम होते हैं, ए से लेकर कहीं अब तक होता है, ए से लेकर कहीं सी तक होता है। छात्रों की संख्या बराबर होती है लेकिन सेक्शंस कम ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस क्लास में कितने एडमिशंस हुए हैं। अब यही कंडीशन है यहाँ पर, इसने कहा कि टोटल बच्चों की संख्या आप देख रहे हैं 4th में कम है, 5th में थोड़ा ज्यादा, 6th में ज्यादा है,
हम सेक्शंस में संख्या बराबर रखेंगे लेकिन कितने सेक्शन प्रत्येक क्लास के बनेंगे हम डिसाइड अभी नहीं कर पा रहे हैं। वही उसने कहा कि अगर हम खंडों में सेक्शंस में डिवाइड करें और हर सेक्शंस में छात्रों की संख्या समान रखें तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों अर्थात सेक्शंस की कुल मिनिमम संख्या न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। ऐसे के लिए मिनिमम संख्या के लिए आपको सबसे पहले वह सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी होगी जो प्रत्येक से पूर्णतः कट जाए, मतलब इन तीन संख्याओं का हमें एससीएफ निकालना होगा मासा। अब जब हम मासा सोचेंगे तो मासा भाई भाग विधि से कर सकते हैं या डिफरेंस से कर लीजिए। पहले से दूसरे का डिफरेंस करिए तो कितना आएगा, 12 से 8 4 होता है, यहाँ पर 17 से 8 9 होता है, 94 हो गया। इसका इससे डिफरेंस करिए, 3 से 2 1 होता है, 12 से 8 4 होता है, और यहाँ पर 3 से 2 1 141 हो गया। अभी भी कुछ कंफर्म नहीं, इसका इससे डिफरेंस करिए, 11 से 4 7 होता है, 13 से 9 4 होता है, 47 हो गया। 47 वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो प्रत्येक को पूर्णतः डिवाइड कर देगी, मतलब यही एससीएफ होगी। अब अगर ये एससीएफ होगी तो हम समझ गए कि छात्रों की संख्या जो सबसे अधिकतम रख सकते हैं हम किसी क्लास में वो 47 रख सकते हैं। अगर हम 47 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, प्रत्येक सेक्शन में 47 ही बच्चे रख सकते हैं, तो डिसाइड करिए कि हम क्लास 5 4 के कितने सेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि क्लास 4 में कितने बच्चे, 188। जब यह इसको भाग करेगा तो कितना बार जाएगा, 7 चौके 28, 4 बार जाएगा, मतलब 4 सेक्शन बना सकते हैं। क्लास हम 5 पे गए, 282 बच्चे हैं, 6 × 7 = 42, आप 6 सेक्शन बना सकते हैं। ऐसे ही अगर हम क्लास 6 की बात करें, 423 बच्चे हैं, 9 × 7 = 63, कुल 9 सेक्शंस बना सकते हैं। अब सेक्शंस की कुल संख्या काउंट करिए, 6 × 4 = 10 = 9, 19 होती है, अर्थात कुल सेक्शंस आपको डी ऑप्शन दिखेगा, जो 19 सेक्शन टोटल बन रहे हैं। तो अच्छा एक शानदार सा प्रश्न है, अच्छे से इसको कनेक्ट करिए, इस दूसरे प्रश्न को डन करिए, आगे बढ़िए और अगले प्रश्न की कनेक्टिविटी को फिर से समझिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड पर देखिए क्या है। किसी फुटबियर कंपनी के कारखानों की कुल दुकान पर प्रत्येक वस्तु 10% के बट्टे पर उपलब्ध है। कोई फुटबियर है, जूते या जो चप्पल्स होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, उनकी शॉप है, वहां पर हर एक सामान 10% की छूट पर उपलब्ध है, 10% का डिस्काउंट मिलता है। चारू ने 900 के अंकित मूल्य वाला एक फुटबियर पसंद किया, एक सूज उसने पसंद किया। बिल का जब भुगतान करते समय उसने पाया कि फुटबियर थोड़ा सा खराब है। हम लोग की आदत होती है जब कोई सामान खराब होता तो हम कहते हैं भैया एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो, तो इसके लिए उसने 10% का अतिरिक्त क्रमिक डिस्काउंट मांगा, जिसे हम क्रमिक डिस्काउंट कहेंगे। फुटबियर के लिए उसने कितना भुगतान किया, दो क्रमिक छूट है। जैसे ऐसा प्रश्न ये भी बन सकता है कि 10% की पहले छूट थी, 10% की बाद में अगर छूट हुई तो कुल उसे कितने परसेंट की समतुल्य एकल छूट मिली। तो 10% को पहला काम आप भिन्न में बने जो 1/10 होगा, इस 10% को भी भिन्न में बनाए जो 1/10 होगा। हम लोग यहाँ पर माने कि यह अंकित मूल्य है और यह सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। 10 में से 1 घटेगा यह मान 9 होगा, फिर 10 में से 1 घटेगा यह मान 9 होगा। ऐसे में अंकित मूल्य आपका 100 होगा और यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका 81 होगा। इसका अंकित मूल्य एग्जैक्टली कितना दिया है, 900। तो 900 इसकी तुलना कर दें, इसका मान आएगा 20 खत्म 9 है, 9 का 81 में गुणा कर दीजिए, 81 × 9 होगा, 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72, 729 हो जाएगा उसका कुल मूल्य, जो ऑप्शन नंबर डी में है। इतना देकर चारू, क्या नाम है उसका, जिसने समाचारू ही है, चारू ने उस जूते को या उस फुटबियर को परचेज कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है। चौथे पर आ जाइए। प्रश्नवाचक चिन्ह सिंपल सा प्रश्न होता है लेकिन कंफ्यूज करता है, इसलिए इसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, अर्थात इन तीनों को पहले जोड़ करके उससे घटाना है। इसमें डिजिट सम का भी उपयोग करा जा सकता है, डिजिट सम से भी हम इस प्रश्न का सलूशन कर सकते हैं। मैं आपको उसका भी प्रोसेस समझा देता हूँ। एक ऐसा होता है कि जब भी कभी, देखिए भाई ऐसे तो आप कर ही लो, जोड़ दीजिए सबको ना, कैसे 0.9637 और यहाँ पर कितना है 0.38 पहले है, 38.9 है, 22. कितना है 257 है। अब सबको अगर हम जोड़ दें तो 7 हुआ, 7 × 3 = 10 हुआ, ठीक है। अब 0 0 पहले इसको बढ़ाए रही, बहुत डाउट होता है नहीं तो समझने में। 7 हुआ, 7 × 3 = 10 हुआ, 6 × 5 = 11, 1 = 12 की 2 हासिल, 1 हुआ, 9 × 1 = 10, 9 = 19, 2 × 21 की 1 हासिल, 2 हुआ, 2 × 2 = 4, 8 × 12 की, 8 × 4 = 12 की 2 हासिल, 1 हुआ, 3 × 2 = 5, 62.1207 है। आप इसको 91 से घटाएं, 91.1207 है, इसमें से 62.1207 हमने घटाया तो खत्म ही हो जाएगा। 11 × 2 = 9 होता है, 8 × 6 = 29 आंसर है इसका। पहला ही ऑप्शन है, राइट सोल्यूशन है, बट थोड़ा सा डाउट रहता है कि ऐसे में हम एक और पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो प्रश्न दिया उसको डिजिट सम पर काम करिए, डिजिट सम मतलब सभी डिजिट को जोड़कर सिंगल डिजिट बनाना, करेक्ट है। जैसे मान लीजिए उसमें भी एक बात ध्यान देना होता है कि जो डिजिट ऑलरेडी जुड़कर 9 हो जाए उसको इलिमिनेट करते जाइए। जैसे
नौ है खत्म कर दे, छह तीन नौ है खत्म करे, इसका डिजिट सम सात हो गया। ऐसे इसमें नौ खत्म कर दे, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह मतलब एक एक दो, इसका डिजिट सम दो हो गया। अभी यहां पर क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता है। इसकी बात करिए, पांच चार नौ होता है, सात दो नौ होता है, खत्म ही हो गया। इसकी बात करें, नौ हो गया, सात दो नौ हो गया, एक एक दो है, तो यहां पर दो है और यहां पर दो जाके खत्म होगा, तो सही में डिजिट सम माइनस सात आएगा। माइनस सात मतलब हम नौ से घटा दे, दो आ जाएगा। अब अपने जिस प्रश्न का डिजिट सम दो है वही सही उत्तर है। नौ खत्म कर दीजिए, दो हो गया डिजिट सम, नौ खत्म कर दे, चार डिजिट सम होगा, नौ खत्म करने पर तीन होगा, नौ खत्म करने पर पांच होगा, तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा था, सात बचा था प्लस दो बचा था और वो क्वेश्चन मार्क बचा था, और वहां पर कितना है बताइए, यहाँ पर आपका दो बचा था, दो दो से खत्म हो जाता तो सात इधर आता तो माइनस सात होता। जब भी कभी नेगेटिव आता है तो नेगेटिव को नौ से घटा देते हैं, तो वैल्यू आपकी दो, जो कि दो यहीं पर मिलेगी। इस हिसाब से भी हम लोग कर सकते थे, हालांकि उत्तर आपका 29 है। जो आप ऐसे देखिए, अगर नहीं कुछ ये सब चाहता है दिमाग में ना तामझाम, तो ऐसे ही करके आइए, आंसर यहीं से करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। पांचवें प्रश्न पर आइए, पांचवा क्या है, दो उत्पाद ए और बी के मूल्यों का अनुपात 5:8 है। एक उत्पाद ए है, दूसरा उत्पाद बी है, इनके मूल्यों का अनुपात 5:8 है। यदि उत्पाद ए के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो सीधा लिखिए 5 × 120/100, ठीक है, तथा उत्पाद बी के मूल्य में 20% की कमी, 8 × 80/100, करेक्ट है। ये बन गया सिंपल सा। अब इनके उत्पादों के मूल्यों का अनुपात, हमने 20% बढ़ाया 120/100, हमने 20% घटाया 80/100। अब आप सिंपल देखिए, पहले 100, पहले आप एक काम करिए, 100 को खत्म करिए, फिर देखिए 40 × 80 होता है, 40 × 120 होता है, सही हो गया ना। अब यहाँ पर इसको 5 × 15 कर दीजिए, 8 × 16 कर दीजिए, 15:16 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर सी है, आप लोग उठा लीजिए, करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न पर आइए, बाइनरी कन्वर्जन का भी प्रश्न आपको दिख सकता है, बाइनरी से डेसिमल, जैसे आपने देखा कि 101101010 है, ठीक है, इसका बेस 2 है। जैसे हम लोग जो नंबर यूज करते हैं उसका बेस होता है 10, क्यों, क्योंकि हम लोग 10 डिजिट 0 से लेकर 9 तक का उपयोग करते हैं। जब यही चीज हम लोग केवल 0 और 1 का उपयोग करते हैं, दो ही डिजिट यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसका बेस 2 होता है। जैसे अपने यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 होता है, वैसे उसमें भी होता है, बट उसके लिए क्या करना होता है, जैसे अपना हम लोग कोई नंबर लिखते हैं, इकाई दहाई मतलब 10^0, 10^1, 10^2, इस हिसाब से काउंटिंग करते हैं। इसमें 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6 का उपयोग करेंगे। वो भी 0 वाला बिल्कुल नहीं करिए, खत्म कर दीजिए, तो 2^6 हो गया, 2^4 हो गया, 2^3 हो गया, 2^1 हो गया, तो ये आपका 6, 2^6 जब हम करेंगे तो आपको मिलेगा 64, क्योंकि 32 पर 2^5 होता है, ये होगा 16, ये होगा 8, ये होगा 2, तो 8^2 10 होता है, 16^10 26 होता है, तो 26 + 64 कर दीजिए, तो 6^4 10, 6^2 8 1 9, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट सोल्यूशन है। आप लोग देख लीजिए, जहां जहां पर दो, जहां जहां पर एक था वहां पर दो के प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम उसकी वैल्यू को लेते गए, जोड़ते गए, आंसर अपना सी ऑप्शन आ गया है। तो छठे प्रश्न का राइट सोल्यूशन आया है। सातवें को देखिएगा, किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 4:3 है। वर्तमान में उसकी और उसकी पत्नी का अनुपात 4:3 है। कह रहा 4 वर्ष बाद, यहां से 4 जोड़ दीजिए, कह रहा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो गया, 9:7 हो गया। कह रहा है कि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था, तब कितने वर्ष पूर्व उनकी विवाह, उनका उनकी शादी हुई थी। पत्नी, पति और पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 था, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 है। मैं इस समय वर्तमान में पति पत्नी की उम्र निकाल देता हूँ। रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो यह डिफरेंस कितने का है, 4 का। अनुपात के हिसाब से डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर क्या सेम है कि नहीं, बोलो, सेम नहीं है। क्यों नहीं है, पहले सोचो क्यों हम देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर हम वर्तमान से 4 साल बाद जाएंगे तो पति में भी 4 जुड़ेगा, पत्नी में भी 4 जुड़ेगा। अगर चेंज परिवर्तन सेम कर रहे हैं तो अनुपातिक डिफरेंस भी सेम होना चाहिए था, जो कि है नहीं। 4 से 9 मतलब 5 बड़ा है, 3 से 7 मतलब 4 बड़ा है। ऐसी केस में हम डिफरेंस सेम करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करिए 1 है, इन दोनों का डिफरेंस करिए 2 है, ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए। जब ऊपर 2 से गुणा होगा तो पति की अनुपातिक वैल्यू 8 हो जाएगी और पत्नी की 6 हो जाएगी। अब यहां से हम एक काम करते हैं कि अब 8 से देखो 9 मतलब 1 का डिफरेंस, 6 से देखिए 7 मतलब 1 का डिफरेंस, एक जो अनुपातिक अंतर है, रियल अंतर 4 के समतुल्य कर दीजिए। 1 = 4 है तो पति की उम्र 8 है, 8 × 4 = 32, मतलब पति की उम्र कितनी आ गई, 32, और पत्नी की उम्र बताइए कितनी है, 6 है, तो
तो 6 बराबर 24, पत्नी की उम्र कितनी हो गई, 6 है, 6 बराबर 24। अब सोचो कि अगर यहाँ पर पति अभी इस समय 32 साल का है, हाँ पति कितने साल का है, 32, पत्नी है 24 साल की, तो कह रहा कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 13:9 था। तो अब लोग इसके लिए हम ऑप्शंस का उपयोग कर ले ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर हम 4 घटाएंगे तो 28 हो जाएगा, और 4 घटाने पर 20 होगा, तो 4 × 5 = 20 ये तो हो नहीं रहा है, तो 4 का क्वाम खत्म हो गया। 8 घटाइए तो पति की उम्र हो जाएगी क्या 24, और पत्नी की 16, तब भी नहीं होगा। 6 घटा के देखिए, 6 घटाने से पति की उम्र हो गई 26, वैसे भी 13 से कटने वाली संख्या देखना था, और 6 घटाने से पत्नी की उम्र 18, 2 × 18 = 26, तो उस अनुपात को रीच कर रहा है 6 साल पहले वाला। तो 6 साल इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, 6 साल पहले दोनों का विवाह हुआ था। तो 7वें प्रश्न का उत्तर होता है 6 साल, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। 8वें पर आइए, यहाँ पर इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, आइए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है, 2 समान राशियां क्रमशः 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती हैं। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई, और प्रत्येक स्थिति में राशि 1105 रुपए थी, प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई थी। ये प्रश्न है आपका, इसको बहुत ही क्लियरली आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए कैसे इसको कर सकते हैं हम लोग। चलिए ध्यान से मेरी बात को सोचिएगा। पहली चीज तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पर जो पहला पर्सन है, मतलब जो पहली राशि है, वो 6% की दर पर उधार दी गई है, ली गई है कि दी गई है, ली जाती है। दूसरी 10% की दर पर, यहाँ पर ब्याज की दर ज्यादा है, लेकिन समय इसने कहा है कि समय पहली राशि दूसरी की तुलना में 2 वर्ष ज्यादा बाद तक वापस की गई थी। तो अगर मान लो इसको यन समय तक के लिए हम लोग लिए थे, तो इसको यन प्लस 2 समय तक के लिए लिए थे। अगर हम इसमें थोड़ा सा कंपेयर कर दें और ब्याज की वैल्यू क्योंकि दोनों स्थितियों में बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 × n+2, यहाँ से समय क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पर 10n हो जाएगा। तो आप 2 × 5 = 10 कर सकते हैं, 2 × 3 = 6 कर सकते हैं, 3n + 6 कर दीजिए बराबर आपका 5n होगा, तो 2n = 6 होगा, अर्थात n = 3 होगा। तो n का मान 3 है, मतलब समय 3 हो गया। अगर समय 3 है तो कंफर्म है कि आप लोग यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे हम पहले वाले को देख लें तो 10 × 30%, अर्थात जो राशि प्राप्त होगी वो 30% की प्राप्त होगी, जो ब्याज के रूप में होगी। तो रियलिटी में अमाउंट जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, 130%। 130% क्यों, क्योंकि हम लोग समझ गए हैं कि बेस अगर अपना 100% है तो उसी से भाई यहाँ पर हम पहले का ले लें चाहे उसको ले लें, अगर इसके हिसाब से लें तो 5 साल लेना पड़ेगा, 6 × 5 = 30 होगा, इसके हिसाब से लेंगे तो हमें 3 साल लेना पड़ेगा, 30 तब भी होगा। 30% अगर ब्याज है तो 130% आपका अमाउंट होगा, और यह वैल्यू 130% आपको कितना दिया है बताइए, 1105 दिया है। आपको निकालना क्या है, 100%, तो 0 देखिए खत्म कर देगा, 13 से काटिए, 13 × 8 = 104 होता है, 104 और 6 × 13 = 65, 10 से गुणा कर दे 850 रुपए। ये आपकी उधार ली गई राशि कितनी थी, 850 रुपए थी। ये थोड़ा समय यहाँ कनेक्ट करना जरूरी था, समय अगर सेट कर दिया तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। अमाउंट आपको दिया है मिश्रधन ना, तो मिश्रधन दिया है तो आपने देखा कि 30 से 130 हो गया, 130 का मान सीधा सीधा दिया था, 100% हमने मूलधन यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अगले प्रश्न पर आइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है वर्गमूल का। अब देखिए इस तरह के पैटर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको √1936 का वर्गमूल दिया है, 1936 का जो कि 44 है, तो बाकी के वर्गमूल हमको निकालने हैं और आपस में सभी को जोड़ना है। लेकिन ध्यान देना कि सब 1936 ही हैं, मतलब वर्गमूल के हिसाब से देखा जाए तो इसका भी वर्गमूल 44 होगा, इसका भी 44 होगा, इसका भी 44 होगा, और इसका भी 44 होगा। एक बात हमको ध्यान देना होता है, वर्गमूल अगर दशमलव संख्याओं का करना है तो दशमलव के स्थान हमेशा इवन प्लेसेस पर होते हैं, जितने प्लेस पर दशमलव होता है उसके आधे पर दशमलव लगाना होता है। अगर यहाँ 2 स्थान पर है तो 1 पर लगेगा, 4 स्थान पर है तो 2 पर लगेगा, और अगर 2, 2, 4, 2, 6 स्थान पर है तो 3 पर लगेगा, अगर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 स्थान पर है तो 4 पर लगेगा। अब सभी को जोड़े, 4.4 हुआ, 0.44 हुआ, 0.044 हुआ, 0.0044 हुआ, सबको जोड़िए, 4 हुआ, 4, 4, 8 हुआ, 4, 4, 8 हुआ, 4, 4, 8 हुआ, 4 हुआ, 4.884 हुआ, 4.884 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। तो 888 तो अपने पास है नहीं, अब इसमें थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पर इस बात का होगा कि हम राउंड अप कैसे करें। जैसे हमको सभी उत्तर यहाँ पर 2 ऑप्शंस में दिया है, 2 डिजिट में अगर दिया है तो हम लोग उसके हिसाब से जाएं तो यह 8, 1, 9 लिखा जा सकता है, और इस हिसाब से इधर भी जाए तो ये भी 8, 1, 9 होगा, तो हम उत्तर 4.90 लगाएंगे। 88 लगाना गलत हो जाएगा अगर हम राउंड फिगर के हिसाब से जाते हैं, क्योंकि 88 देखो अपना आंसर कितना है, 4.8884 है,
अगर हम लोग यहाँ पर इसको इतने पर ही आके छोड़ देंगे तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर से अगर हम इसे राउंड अप किए हैं तो यह आपका 9 होना चाहिए था। तो इस हिसाब से आंसर अगर आप 4.90 लगाएंगे तो इसका सही सोल्यूशन आपका माना जाएगा। राइट सोल्यूशन आपका 9वें प्रश्न का इतना हो गया, क्योंकि उसने राउंड अप किया है, डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हम मानकर चलेंगे, करेक्ट है। दरअसल दशमलव के बाद जब भी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती है तो उसके पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। इस हिसाब से उत्तर आपका कितना 4.90 होगा। अब आइए अगले क्वेश्चंस पर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सुशील और गोपाल एक व्यवसाय के बे साझेदार हैं। बढ़िया है, देखिए व्यापार का पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सुनील क्या करता है, 20,000 रुपए 9 माह के लिए और गोपाल 30,000 रुपए 12 महीने के लिए निवेश करता है। 60,000 का कुल अगर लाभ होता है तो सुनील का हिस्सा हमसे पूछा गया है। अब ध्यान से देखिए, सुनील है और दूसरा व्यक्ति कौन है, गोपाल है। सुनील ने लगाए 20,000 रुपए कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। गोपाल ने लगाए हैं 30,000 रुपए और कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। इससे जो कुल लाभ हुआ है, लाभ कितने के बराबर हुआ है, लाभ हुआ है 60,000। हम लोगों से ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट है और हमसे किसका हिस्सा पूछा गया है, देखिए सुनील का हिस्सा पूछा गया है। कभी भी कोई व्यापार होता है तो जो निवेश का रेशियो होता है वही लाभ का रेशियो होता है, मतलब निवेश के हिसाब से लाभ का बंटवारा किया जाता है। और निवेश दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो लगाया गया धन और लिया गया समय। तो इस हिसाब से हमने देखिए लगाया गया धन और लिया गया समय अब हम कंपेयर कर ले तो यह निवेश का रेशियो बनेगा, इसी में ही लाभ का बंटवारा करना है। इनके चार जीरो से 3 3 9 होता है, 3 4 12 होता है, 2 1 2 होता है, 2 2 4 होता है। तो यहां से अगर देखा गया तो रेशियो किस हिसाब से बन रहा है, देखिए आप लोग कंफर्म कर लीजिए, 1 आपका 3 यहां से खत्म हो जाएगा, 1:2 बन रहा है। 1:2 के अनुपात में यहाँ पर निवेश हो रहा है और उसी क्रम में आपको लाभ भी बांटना होगा। तो अनुपाती पदों को जोड़ दें, जो 3 होगा 3 बराबर 60,000 कर दें, 1 बराबर आपका 20,000 होगा। अगर 1 20,000 है तो आपको निकालना क्या है, सुनील का हिस्सा, और सुनील का हिस्सा 1 के भाग को ही प्रेजेंट करेगा। तो ये सुनील का हिस्सा है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट सोल्यूशन आपका 20,000 है, आप लोग लिख सकते हैं, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। 3 पुरुष किसी काम को 4 दिन में, 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में तथा 8 बच्चे उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम तीनों पर्सन्स की कंपेरिजन रेशियो इफिशियंसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे। फिर कहा गया उसी काम को अगर हमें 1 पुरुष 3 महिला और 2 बच्चों से मिलाकर कराना है तो कितने समय में अपना कार्य पूर्ण होगा। जिस काम को 3 पुरुष 4 दिन में करते हैं, उसी काम को 6 महिलाएं 4 दिन में करती हैं, उसी काम को 8 बच्चे 6 दिनों में करते हैं। तो सबसे पहला काम कि आपको इनको कंपेयर करना, इनकी क्षमताओं का अनुपात निकालना है। हम कह सकते हैं जो 12 पुरुष का काम है वो 24 महिलाओं का काम है, वही 48 बच्चों का काम है। इस हिसाब से हम अगर पुरुष महिला और बच्चों की क्षमता निकालें तो 12 1 के 12 12 2 24 12 3 12 4 48 1 पुरुष बराबर 2 महिला बराबर 4 बच्चे, करेक्ट है। अब ऐसे में पुरुष महिला और बच्चों की क्षमता का रेशियो बनेगा 1:1, 1:2 और 1:4। और अगर हम एलसीएम ले लें 4, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। 4:2 और 1 का अनुपात है किसका, पुरुष महिला और बच्चे का। जो रेशियो है वर्क इफिशियंसी है, वर्क इफिशियंसी मतलब एक यूनिट समय में किया गया कार्य, 4:2:1 है। अब कह रहा है जिस काम को वो लोग इस तरह से करते थे वही काम को हमको करवाना है 1 पुरुष 3 महिला और 2 बच्चे से। अब आप किसी भी समूह को पकड़ लीजिए, जैसे हम इसको ले लेते हैं, हमने कहा अगर जिस काम को तीन पुरुष 4 दिन में कर पाते थे उसी काम को 1 पुरुष है 3 महिला है और 4 बच्चे हैं 2 बच्चे हैं कितने दिनों में कर लेंगे। हम क्षमताओं की बात करते हैं, क्षमताओं को अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं कि 1 पुरुष की क्षमता 4 है तो 3 × 4 × 4 कर दीजिए, ये टोटल वर्क हो गया। और यहाँ पर 1 पुरुष की क्षमता अगर 4 है तो 4 रखिए। 1 महिला की क्षमता आप देखो 2 है तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 1 बच्चे की क्षमता देखो 1 है तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। 6 × 4 = 10 कितना हो गया, 12 हो गया, ये 12 है और 4 × 3 = 12 है। तो 4 दिन में अपना कार्य समाप्त हो जाएगा। 4 दिन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन ही है, और बी ऑप्शन आप लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करके आगे बढ़े, ठीक है। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर आइए, 12वां नंबर क्या है। अशोक के पास 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 85 रुपए प्रति किलोग्राम के ऐसे 2 प्रकार के गेहूं हैं, 2 अलग अलग प्रकार के गेहूं हैं। एक का रेट है 60 रुपए पर केजी, दूसरे का रेट है 85 रुपए पर केजी। कह रहा दोनों को मिला देना है और इस मिश्रण को 84 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना है, जिससे कि 20% का मुनाफा होता है। तो मिश्रण में इन दोनों प्रकार के गेहूं का अनुपात क्या था,
एक गेहूं का रेट था 60, रेट मतलब क्रय मूल्य, दूसरे का था 85, दोनों को मिलाया गया, मिला करके हमने क्या किया उसको इस रेट से बेचा 84 की रेट से, 20% का मुनाफा मिला, 20% मतलब 1/5, 1/5, 5 अगर क्रय मूल्य है तो 6 इसका विक्रय मूल्य है, 6 इसका विक्रय मूल्य है, और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 6/84, तो क्रय मूल्य कितना होगा 5, 6 से करें तो 6×6 14×6 84 होता है, 14×5=70, क्रय मूल्य क्या होगा मिक्सचर का 70 होगा, कुछ गलती से अगर यहाँ 84 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, आपको यहाँ 70 लिखना होगा, क्योंकि ये दोनों ही क्रय मूल्य थे। एलिगेट कर दीजिए दोनों के कॉम्बिनेशंस के रेशियो पता चल जाएंगे, मिश्रानुपात लगाइए 10 का बनेगा और ये 15 होगा, 5×3=15 आया, 5×2=10 आया, अनुपात 2 का अनुपात बनेगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, 12वां क्वेश्चन आपका डन होता है। आशा करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए, क्वेश्चन क्या है, दो वाहनों की चाल का अनुपात 7:8 है, दो वाहन है दोनों की स्पीड S1 और S2 7:8 के अनुपात में है, पहला वाहन 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहले वाहन की चाल हमको बतानी, सॉरी दूसरा वाहन 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहले वाहन की चाल हमको बतानी है। अब हमको पहले वाहन दूसरे वाहन की भी चाल नहीं पता, जैसे दूसरे वाहन की बात क्या किया है, जो दूसरा वाहन है उसने एक दूरी तय करी है 400 किलोमीटर की, कितने समय में बोलिए 5 घंटे में, तो इसकी स्पीड क्या होगी, चाल, चाल जो होती है दूरी बटा समय होता है, मतलब 400/ आप क्या कर दो 5, मतलब उसकी चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले दूसरे की, अगर दूसरे की चाल 80 है, क्योंकि अनुपात में भी चाल आपको दिया है कितनी है 8, अगर 80 है तो 7 क्या होगा, 8×10 में 80 होगा, 10×70 होगा, उसकी चाल कितनी हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो 13वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपका 70 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है, प्लीज इसको नोट करें, कनेक्ट करें और अगले प्रश्न पर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB=24 है, AD=16 है। देखिए हम समानांतर चतुर्भुज बना देते हैं, समांतर चतुर्भुज की स्थिति आप जानते होंगे, ए इसके समांतर है, ए इसके समांतर है, यहाँ पर इसका नाम हमने रख दिया ABCD, ऐसे कनेक्ट कर दिया, कहा है कि भुजाएं AB 24 है, कितना AB है 24, और आगे देखिए पढ़िए क्या लिखा है, AD दिया है 16, AD 16 दिया है, भुजाओं AB और DC के बीच की दूरी, मतलब इसके इसके बीच की दूरी क्या है 10 है। अब इसने हमसे कहा है, देखिए लिखा ना, भुजाओं AB और DC के बीच की दूरी 10 है, तो भुजा AD मतलब ए और BC मतलब ए, इनके बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है, मान लीजिए यह दूरी यहाँ पर DM है, तो यह आपसे मान लीजिए DN पूछ रहा है। याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर, अगर ये 24 है तो यह भी 24 है, अगर यह 16 है तो यह भी 16 है, और आपको बता दूं कि इसका जो एरिया होता है वो बेस इनटू हाइट होता है, बेस मतलब कोई भुजा, जैसे आपने इस 24 को बेस माना है, हाइट मतलब दोनों समांतर भुजाओं के, विपरीत समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अगर हम एरिया की बात करेंगे और इसको बेस लेंगे AB को, तो DM लिखना होगा, AB इंटू क्या हो जाएगा DM। उसी तरह से अगर हम बेस इसको मानेंगे, किसको, BC को, तो उससे रिलेटेड विपरीत भुजा से उसकी दूरी कितनी है DN, और आपसे यही DN पूछ रहा है, करेक्ट है, यही DN मतलब दूसरे इस BC से जो है भुजा AD की दूरी पूछ रहा है, जो कि आपकी हमने स्पेस कनेक्ट किया है। इसका मान 24 है, इसका मान 10 है, BC का मान 16 है, इसका मान आपको बताना है जो दूरी है उनके बीच में। तो चलिए इसको कंफर्म करिए, 8×3=24 होता है, 8×2=16 होता है, 2×5=10 होता है, और 5×3=15 होता है, तो 15 यहाँ पर सेंटीमीटर है दोनों के बीच की दूरी, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यह प्रश्न भी आपका 14वां कनेक्ट होता है, 15 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, नोट करिए और अगले प्रश्न पर आगे बढ़ चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक प्रतियोगी परीक्षा होती है, सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, बी में 77%, दोनों सेक्शन में 18% फेल होते हैं, दोनों सेक्शंस में 1425 छात्र पास होते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या बतानी है। ये पास का आंकड़ा दिया है, ये भी पास का आंकड़ा दिया है, जबकि ये फेल का आंकड़ा दिया है। आपको अगर 80% पास दिख रहे हैं तो 20% फेल होंगे, 77% पास दिख रहे हैं तो 23% फेल होंगे, 18% अगर फेल है तो 82% पास होंगे, बट 82 आप लेके चलेंगे इससे ज्यादा होगा तो बेन डायग्राम नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए फेल स्थिति डायग्राम बनाना पड़ेगा। दो सेक्शन हमने प्रेजेंट कर दिया, ये सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है, इसमें अगर हम 80% पास है ना तो 20% फेल है, अगर इसमें 77% पास है तो 23% फेल है, दोनों में फेल कितने हैं 18 है, यहाँ रख दिया 18,
अगर हम केवल सेक्शन ए के फेल की बात करें तो 20 से 18 निकाल दे 2%, केवल सेक्शन बी के फेल की बात करें तो 18, 5, 23, 5%, फेल की बात करें फेल की तो फेल हो जाएगा 18, 5, 23, 2, 25%। अगर फेल 25 है तो पास कितना होगा, पास 75 होगा, और पास की संख्या आपको दिया है, पास की संख्या आपको दिया है मतलब 75% का मान आपको दिया है 1425, ठीक है। 100% का मान आपको निकालना है, 25 या 75 है, 25 चौके 100 है, 3 से डिवाइड करिए, 3 चौके 12 है, 3 सत 21, 3 पचे 15 है, ठीक है। फिर से चेक करिए, 3 चौके 12, 2 3 सत 21 करेक्ट है, 4 पंचे 20 हुआ, 4 सत 28, 2 30 हुआ, 4 चौके 16, 3 19, 1900 बच्चे थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर सी है, 15वां क्वेश्चन आपका डन होता है। आइए 16th पर, 16वें पर औसत का प्रश्न है। 23 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 49 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 54 है, यदि 12वीं संख्या को निकाल दें, हटा दें, तो शेष संख्याओं का औसत ठीक 2 दशमलव के स्थानों तक ज्ञात करो, ठीक है। 23 संख्याओं का औसत आपका 51 दिया है, औसत सबको पता है, जैसे हम यहाँ पर जो कनेक्ट कर रहे हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर दिया संख्या है और यह क्या है, औसत है, ठीक है, यह संख्या है, औसत है। 23 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 12 संख्याओं का क्या है बताइए, पहली 12 संख्याओं का औसत 49 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत क्या है बताइए, 54 है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इनको जोड़ दे 12 12 क्या है, 24, मतलब एक प्रकार से एक समूह में 23 तक की संख्या रखी थी, पहली 12 अंतिम 12 में जो 12वीं संख्या है ना ओवरलैप कर रही है, दोनों स्थितियों में आ रही, तो उसने कहा कि उस 12वीं को हटाओ, निकाल दे, तो जो शेष संख्याएं बचती हैं उनका औसत, उनका ठीक ठीक औसत दशमलव के 2 स्थानों तक हमको बताना था। यही हमसे बोला था, 12वीं संख्या को निकाल दे तो शेष संख्याओं का, शेष संख्याएं मतलब एग्जैक्टली 23 संख्याओं का जो औसत है वो आपका मतलब एकदम से उसको हटा दें तो 22 संख्या बचेंगी अगर एक प्रकार से देखा जाए। हमें पहले डिसाइड करना है कि जो अपनी 12वीं संख्या है कितनी है, उसको पता करने के तरीके देखिए। एक तरीका ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 23 संख्या थी, 51 औसत था, 12 का औसत 49 है, सोचिए कितना कम है, 2 कम है, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 है, करेक्ट है। अब ऐसे में 3 और 2 का डिफरेंस 1 होता है पॉजिटिव में, संख्या 12 ही है, कॉमन ही है, तो 12 से गुणा कर दें, और ओवरलैपिंग संख्या की बात है तो ले जाकर के इसमें जोड़ दें, तो अगर जोड़ दिया तो यहाँ पर यह संख्या 63 थी, जो 12वीं संख्या थी वो क्या थी बताया, 63 थी, 12वीं संख्या 63 थी। अब अगर आप ये सोचिए कि अपने पास जो कुल संख्याएं थी 23 में 23 संख्याएं थी, टोटल योग उनका क्या था, आप कंफर्म करिए, सोचिए योग कितना था, अगर हम गुणा कर देते 23 होता है, ध्यान से देखिएगा 23 कितना होता है, 23 होता है, 23 पंचे क्या होगा, 5 या 15, 5 दुना 10, 1 11, 115, 115 में 2 जोड़ा तो 100 कितना होगा, 17, इसमें से हम घटा दें किसको, 63 को, जो 12वीं संख्या है, जब घटा दिया तो 3 0 17 7 6 1 1 1 हुआ, ये आपके पास 1110 हुआ, बट संख्या कितनी हो गई, अब 22 हो गई, संख्या आपकी 22 हो गई थी, 1110 बटा अगर हम 22 कर देते हैं तो आप देखिए कैसे होगा, जैसे आप समझ गए हो, कटेगा तो नहीं, कटेगा नहीं ना, 2 11 बार होता है, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 11 5 55 होगा, और कंफर्म है कि 0 लगेगा, 5 आएगा, फिर 11 4 44 करना होगा, 50 पॉइंट आ जाएगा, 45 पहला ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमने पूरे समूह से उस 12वीं संख्या को ही हटा दिया जिसका मान 63 था। आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि 12वीं संख्या का मान क्या था, अगर पूछा होता तो केवल 63 आंसर आता, बट उसको घटाना है, निकालना है, निकालने के बाद जो संख्या बचेंगी 22 बचेंगी, 23 से एक संख्या निकल जाएगी 22 होगी, 22 से भाग कर दिया, आंसर आपका आ गया, तो राइट सोल्यूशन आपने देख लिया, आंसर आपके पास है, करेक्ट कर लीजिए, सही उत्तर है आपका, और एकदम सही चलिए और क्लियर करिए एक तरीके से, और जैसे हम सोच सकते थे, लेकिन ठीक है इतने से करके चलिए, ज्यादा सही तरीका है आपका। 16 नंबर, ठीक है, 2 बर्तन है ए और बी में कौन सा 4 और 3 और 2 और 3 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है, मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि एक नया जो मिश्रण बने उसमें आधा दूध हो आधा पानी हो, मतलब आधा दूध आधा पानी का मतलब 1:1 का अनुपात बन जाए। पहले मिश्रण में देखिए दूध और पानी का, मिल्क एंड वाटर, पहले मिश्रण में कितना अनुपात है, 4:3 है, दूसरे में उसी मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताएं वो आपका कितना है, 2:3 है। अब ऐसे में अगर हमें आधा दूध आधा पानी बनाना है, इसका तरीका देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हम चाहे दूध का उपयोग कर लें चाहे पानी का उपयोग कर लें, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर दूध कितना है, 4, कितने में है, 7 में, करेक्ट है, यहाँ पर दूध कितना है, 2, कितने में है बताएं, 5 में, और आप बनाना क्या चाहते हैं, दूध 1, कितने में बोलो, 2 में,
इसका एलिगेशन लगा दे, दूध पानी का अनुपात बन जाएगा नए मिश्रण में। एलिगेशन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका डिफरेंस करना होगा, मतलब 4/7 से 1/2 घटाना होगा। 4 × 2 = 8 में से 1 = 7 निकलेगा तो 1/14 होगा। आप इसको 1/14 लिखिए। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 1/2 से 2/5 घटाना होगा तो 5 में से 4 निकलेगा, 1/10 आएगा। 1/10 कर दें, अब 10 ऊपर चला जाएगा जैसे इसकी बात अगर किया जाए, और 14 इधर चला आएगा तो 5:7 हो जाएगा। या हम सीधा सीधा ऐसे करें, नहीं इसका नहीं करने की जरूरत है, आप सीधा सीधा देख लीजिए। अगर 1:14 लिखा है तो 1 से खत्म कर दीजिए, 14 और 5, 7 और 5 का अनुपात बन जाएगा, 7:5 का अनुपात। जैसे अगर थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रहा होगा 7, 10 उधर जाएगा 14, इसने हमसे कहा ही नहीं था ना कि उसमें नया जो मिश्रण बने आधा दूध हो आधा पानी हो, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं, 7:5 को ले सकते हैं। बट थोड़ा सा इसमें जैसे रहेगा कि आपको 5-7 की कनेक्टिविटी दिख रही होगी, मतलब 7:5 आप ले सकते हैं क्योंकि उसमें कंफर्म नहीं था, ठीक है, कि कौन सा क्या है, किसको क्या रखना है पहले, किसको क्या रखना है बाद में, तो 7:5 की रेशियो पे आप जा सकते हो। अगले प्रश्न पर आ जाइए, क्वेश्चन को देखिए। 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदा गया और उतने ही फल 120 रुपए में 10 की दर से खरीदे गए, मतलब एक ही प्रकार का फल था मार्केट में। एक जगह पर 140 में 15 मिलता था, दूसरी जगह 120 में 10 मिलता था। अगर आप एक दुकानदार हो तो आपने सभी फलों को उठाया और ला के अपनी दुकान पे 132 रुपए में 12 के हिसाब से ग्राहक को लिखे लगा दिया, इस पूरे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ हुआ? सोचिए अगर मुझे 1/15 फल मिलता है 140 रुपए में, तो एक फल का दाम क्या होगा? 140/15, ठीक है। दूसरा जो फल है, दूसरा मतलब दूसरे समूह में गए, दूसरी जगह पर 120, मतलब 120 में 10 फल मिलता है तो 120 बटा आप क्या लिख सकते हैं, 10। ये दोनों के क्रय मूल्य हो गए। जबकि अगर हम बेचने चले तो हमने क्या किया, 132 रुपए में 12 फल बेचा, ठीक है, 132 रुपए में 12। थोड़ा आसान चाहे तो कर सकते हैं, कैसे, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40। आप इसको 28/3 कह सकते हैं, इसको आप 12/1 कह सकते हैं, इसको 12 × 1 = 12, 11/1 कह सकते हैं। आप इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, सबसे अच्छा तरीका होता है। फिर आप एक काम करिए, 3 × 1 = 3 या 28 हो जाएगा, 1 × 3 = 3, 3 × 3 = 36 हो जाएगा, या 11 × 3 = 33 हो जाएगा। मतलब उन्हीं फलों के दो क्रम को आपने बेचा खरीदा है, और अगर एक बार बेच रहे हैं तो इसको डबल कर दीजिए, ठीक है, दो बार, मतलब यहाँ पर दो बार खरीदा है ना आपने, और उनको डबल करिए, क्रय मूल्य हो जाएगा 8, 6, 14, 3, 2, 5, 1, 6, 64, और विक्रय मूल्य हो गया 66, मतलब 64 में खरीद कर आपने 66 में बेचा है, 64 में 2 = 32 बार हो जाएगा, 2 = 33 बार हो जाएगा। अब आप देखो 32 से 33 हो रहा है, कितने का फायदा, 1 का फायदा, 1 × 100/32 कर दो, 4 × 8 = 32 होता है, 4 × 25 = 100 होता है, 8 × 3 = 24, 3 सही 1/3% का लाभ होगा, 3 सही 1/3% का लाभ होगा, और सॉरी 8% का, जो आपको ऑप्शन नंबर पहले में दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, करने के लिए आपने पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। एक नाव धारा की दिशा में मतलब पानी के साथ, पानी के अनुदिश 29 घंटे में 261 किलोमीटर जाती है, तो पानी के अनुकूल इसकी चाल कितनी हो गई, 261/29, क्योंकि दूरी बटा समय कर दीजिए, तो ये जाएगा 9 बार, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी अनुकूल चाल है, पानी का चाल मतलब उसकी शांत जल में चाल और पानी की चाल मिलकर है। जबकि यहाँ पर देखिए धारा की विपरीत दिशा में 28 घंटे में 196 किलोमीटर उल्टा जब चलती है पानी के अपोजिट, तो 196 किलोमीटर को 28 घंटे में, 28/8, तो ऐसे में उसकी चाल कितनी हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी कभी धारा के अनुकूल चाल पता हो और धारा के प्रतिकूल चाल पता हो, अनुकूल मतलब x + y और प्रतिकूल मतलब x - y, ऐसी कंडीशन में अगर हमसे नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिए, और हमें अगर धारा मतलब पानी की चाल पूछ रहा है, पानी की चाल, तो 9 में से 8 घटा दीजिए, 1/2 होगा, 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 0.5 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा, आप सभी लोग देख सकते हैं। अब आते हैं 20वें प्रश्न पर, देखिए क्या है। एक घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक लंबाई 12, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 10 मीटर है। सफेदी कराने की लागत 25 रुपए प्रति मीटर² है। कमरे की केवल दीवारों की सफेदी कराने की कुल लागत क्या होगी? एक घनाभ की आकृति का है, जैसे हम जिस कमरे में खड़े हैं, इस कमरे में लंबाई है, इस कमरे में चौड़ाई है, इस कमरे में ऊंचाई है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अंदर अंदर की तरफ से आपने चारों दीवारों को सोचा कि सफेदी करा दे, बाहर का सर्फेस नहीं कराते हैं, ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, कमरे की ऊंचाई हो गई, ठीक है। लंबाई कितनी है, लंबाई 12 है, चौड़ाई कितनी है, 8 है, और ऊंचाई कितनी है, 10 है। इस प्रकार से मेजरमेंट आपको दिया है। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, चारों
दीवालों का जो क्षेत्रफल होता है, कमरे की चारों दीवालों का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक है। चारों दीवालों का क्षेत्रफल हम लिख दें, ट्वाइस एल कितना है अपना 12, एल प्लस बी कितना है 8, इंटू एच कर दें 10 मीटर स्क्वायर। ये कमरे की चारों दीवाले हैं, इनका क्षेत्रफल देखो तो 12 8 20, 20 गुणे 10 कितना होता है बताएं, 20 गुणे 10 200, 200 दूना 400, 400 इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर एरिया। अब रेट आप बताइए, रेट क्योंकि 25 है रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो 400 गुणे अगर हम 25 कर दें तो 25 चौके 100 होता है और दो जीरो और बढ़ जाएंगे तो 10,000 रुपए टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 25 चौके 100 करते हैं, कुल मिला के अंदर ही अंदर करते हैं अगर पुताई, तो 400 मीटर स्क्वायर रेट है और 25 के हिसाब से 25 रुपए पर मीटर का रेट है पर मीटर स्क्वायर का, तो 25 से गुणा कर दीजिए तो 10,000 रुपए इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। राइट सोल्यूशन इसका सी ऑप्शन है, 10,000 रुपए है, 20वां आपका डन होता है। अब आते हैं डीआई का प्रश्न है, बहुत शानदार सा, आप लोग देख लीजिए कैसे क्या है। इसमें हम पहले कौन से बता दें, निम्नलिखित डाटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उत्तर दीजिए। किसी संस्था के विभिन्न कोर्सों के लिए छात्रों का विवरण, छात्रों की कुल संख्या दिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग डिग्री, मेडिसिन, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। अगर किसी की संख्या आपको बताना हो, जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट का आप पूछो हमसे, तो हम यही कहेंगे 16/100 गुणे 2400, ठीक है, दो जीरो खत्म, 16 चौके 64, 4 हासिल 6, 16 दुना 32, 6 38, टोटल 384 मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। अब जैसे इसमें कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं ये तुरंत बता सकते हैं आप, कैसे, अनुपात देखिए मैनेजमेंट का 5:7 का है, अनुपाती पदों को जोड़ दे 12 हो गया, 12 की संख्या 384 कर दें, या वहीं से कर देते 16 गुणे 24, ठीक है, बात एक ही होती, एक बराबर कितना 12 3 36, 12 दूना 24, 32 आ जाता, ठीक है। अब एक अगर 32 है तो 5 पुरुष होंगे तो 5 बराबर कितना 5 दूना 10, 5 3 15, 16, 160 तो पुरुष हो गए, और 7 मतलब 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 तरीके 21, 224 महिलाएं होंगे। इस प्रकार से हम पुरुष और महिला की संख्या निकाल सकते हैं छात्रों में, और साथ साथ छात्रों की कुल संख्या अलग अलग डिपार्टमेंट में बता सकते हैं। इसी आधार पर प्रश्न देखने हैं और उत्तर करना है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या बनता है, इंजीनियरिंग डिग्री में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या में कितना अंतर है, देखिए आराम से बता सकते हैं। पहले इंजीनियरिंग डिग्री चलिए, ए है 18%, मैं लिखूंगा 18/100 मतलब ये दो जीरो खत्म, तो 18 गुणे 24 हो गया। छात्र छात्राओं की संख्या में अंतर पूछा है, इंजीनियरिंग डिग्री यहां पर है, अनुपाती पदों को जोड़ दें कितना है 8, 8 बराबर क्या कर दें 18 गुणे 24, अंतर पूछा है, अंतर देखिए साफ साफ कितना दिख रहा है 2 का, तो 2 बराबर क्या होगा 2 चौके 8 होता है, 4 से इसको डिवाइड, 4 छंगे 24, 18 छक्के 108 होता है, करेक्ट है। क्या अंतर है बोली 108 है, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप अनुपात से हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कितनी छात्राएं मैनेजमेंट कोर्स का अध्ययन कर रही है, अभी हम लोगों ने मैनेजमेंट वाला डिस्कशन किया था, टोटल कितने हैं 16% हटाइए, दो जीरो गायब करिए, 16 गुणे 24, इतने तो पहले मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। छात्र और छात्राओं का अनुपात मतलब पुरुष महिला का 5:7 है, जोड़ दिया 12 है, 12 बराबर 16 गुणे 24 कर दीजिए, 1 बराबर 12 दूना 24 होता है, 16 दूना 32 होता है, कितनी छात्राएं हैं 7 का मान, 7 दूना 14, 7 तरीके 21, 224 महिलाएं हैं, 200 महिलाएं मतलब 224 छात्राएं मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ रही हैं, बी ऑप्शन में उत्तर दिया है। आइए अब 23 नंबर को देखते हैं हम लोग, मेडिसिन में अध्ययनरत छात्रों की संख्या और फार्मेसी में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या में क्रमशः क्या अनुपात है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मेडिसिन में छात्र, छात्र मतलब मेल, ठीक है, मेल छात्र की बात कर रहा है, और छात्राएं कहां पे, फार्मेसी में, वो फीमेल छात्राओं की बात कर रहा है। तो प्रश्न को पढ़िए, सबसे पहले मेडिसिन में आइए, 12% टोटल है, तो अगर मेडिसिन की बात किया जाए तो जितना सब परसेंटेज हटाइए, जीरो खत्म करिए, 12 गुणे 24 हो गया, टोटल तो 12 गुणे 24 है। और अगर मेडिसिन के हम छात्र निकालना चाहते तो अनुपाती पद देखिए 4 और 5 है, अनुपाती पदों का जोड़ 9 होगा, 9 बराबर 12 गुणे आप 24 कर दीजिए, 3 से काटिए, 3 चौके 12, फिर 3 से काटिए, 3 8 24, अर्थात 1 का मान 32 हो गया। और छात्र की बात करें तो अनुपाती भाग 4 है, तो 4 बराबर 4 दुना 8, 4 3 12 हो गया, ठीक है, 4 दुना 8 128 हो गए, छात्र कितने हो गए यहाँ पर मेडिसिन में 128 है। जबकि चलते हैं फार्मेसी में, फार्मेसी में संख्या 10% है, परसेंट हटाया, 0 गया, तो फार्मेसी में अगर टोटल की बात करा जाए तो 240 आएगा, ठीक है, 240 आएगा, 10 से गुणा होगा, फार्मेसी का अगर अनुपात देखिए 8:7:15 है, 15 बराबर 240 कर दीजिए, छात्राओं की बात करें तो कितना है 7 है, 5 3 15 होता है, 5 चौके 20, 5 8 40 होता है, 16 कर दिया, 16 7 112 होता है, 112, ये 128 112 है, तो 128
और 112 का रेशियो बनाइए। अब 8 से काटिए, 8 एक के 8, 4, 8 छंगे 48, फिर से काटिए, 8 एक के 8, 8 चौके 32, 2 8 16, 2 7 14, 8 अनुपात 7 का अनुपात है जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, एकदम कंफर्म कर लीजिए, सही आंसर आपके सामने है। अगले प्रश्न पर आ जाइए, 24 नंबर पर। इंजीनियरिंग डिप्लोमा पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या संस्था में कुल पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या कई कितने परसेंट है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बात करिए तो यहां पर देखिए कितनी संख्या है, जैसे हाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कहां पर है, ये है, कितने बच्चे पढ़ते हैं 17%, लेकिन इसमें भी लड़कियां ही ढूंढना है, लड़कियों की संख्या की बात करनी है, परसेंटेज हटाइए 0, तो 24 × 17 है इंजीनियरिंग डिप्लोमा में टोटल, इसमें लेकिन लड़कियों को लाना है तो 9 8 कितना है 17, 17 बराबर आप कर दीजिए 24 × 17, तो 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 24, 1 बराबर 24, और इसमें लड़कियों की संख्या देखिए कितना होगा 8 है, 8 बराबर क्या होगा 8 × 24, ये लड़कियां हैं। कह रहा है ये जो लड़कियां हैं पूरे संस्था में पढ़ने वाले सभी बच्चों का कितना परसेंट है, लड़कियों की संख्या 8 × 24 है, लिख दीजिए, गुड़े आप 100 कर दीजिए, बट्टा टोटल कितने पढ़ते हैं 2400, पूरे संस्था की बात कर रहे हैं ना, केवल इंजीनियरिंग डिप्लोमा की तो बात कर नहीं रहे, 2 0 ऐसे खत्म हो गया, 24 24 से खत्म, क्या बच रहा है 8%, केवल 8%, वो लड़कियां जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा में पढ़ती हैं पूरे की संपूर्ण संस्था में पढ़ने वाले सभी छात्रों का केवल 8% है। लास्ट होगा इस डीआई का, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले कुल लड़के, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले कुल लड़के एवं लड़कियों की संख्या, बायोकेमिस्ट्री कहां पर है, ए है, लड़के और लड़कियों की संख्या और बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले कुल लड़के और लड़कियों की संख्या में क्रमशः क्या अनुपात है। तो यहां पर हमको ये देखना है कि यहां पर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले कुल लड़के और लड़कियों की संख्या और बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले कुल लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो अगर इस प्रश्न को देखिए तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि इधर जाकर के हमें कोई सेपरेशन तो करना नहीं है, सोचिए ए पूरे का 14% है, ए पूरे का 13% है, पूरा दोनों में बेस बराबर है, तो इसका 14 ले लीजिए, इसका 13 ले लीजिए और सीधा सीधा इसका ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, तो राइट सोल्यूशन इसका हो जाएगा, कुछ करने की नीड ही नहीं पड़ती है। तो आशा करता हूँ पूरा सेशन 17 आपको अच्छे समझ में आया होगा, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, मिला लीजिए, जिस प्रश्न में डाउट दुविधा हो उसके लिए हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सलूशन आपको अलग से दे दूं, बाकी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट फीडबैक थॉट जरूर दीजिए। मुलाकात अगली क्लास में होगी फिर से ऐसे ही, अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।